नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अफगानिस्तान में बेशक तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन इसी अफगानिस्तान में एक इलाका ऐसा भी है जिसे तालिबान कभी जीत नहीं पाया, इस बार भी नहीं। काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस इलाके का नाम है पंजशीर, यानी पांच शेरों की घाटी। कुल 200,000 लोग इस इलाके में रहते हैं। सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब सोवियत संघ की सेना भी इस इलाके को जीत नहीं पाई थी। आखिर क्या खासियत है इस इलाके में, आइए आपको बताता हूं। तालिबान ने जिस तरह रातों रात अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, उससे दुनिया हैरान है। हैरान इसलिए नहीं है कि तालिबान ने कब्जा कर लिया, बल्कि हैरान इसलिए है कि तालिबान ने जिस तेजी से कब्जा किया वो किसी ने नहीं सोचा था। इधर तालिबान रातों रात राष्ट्रपति भवन में घुसा और उधर राष्ट्रपति अशरफ गनी अपना माल मत्ता समेट कर मुल्क से निकल लिया। अब आने वाले कई सालों तक महज 70,000 तालिबानी लड़ाकों के आगे तमाम हथियारों से लैस 3.5 लाख अफगान फौजियों के घुटने टेकने के किस्से सुने और सुनाए जाते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ अपने जज्बे और जिदारी के लिए अफगानिस्तान के जिस इलाके की मिसाल दी जाती रहेगी, वो है इस देश का वो अभेद्य किला जिसे आज तक कोई नहीं जीत सका। पंजशीर, यानी पांच शेरों की घाटी। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ तालिबान का भी कोई जोर नहीं चलता। यहाँ न तो देश के दूसरे हिस्सों की तरह कोई अफरा तफरी है और न ही पंजशीर के रहने वाले लोग तालिबान से खौफ खाते हैं, बल्कि उन्होंने तो ये तय कर रखा है कि अगर तालिबान ने गलती से भी इधर आने की हिमाकत की तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि इन आतंकियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। काबुल के उत्तर में लगभग 150 किलोमीटर दूर मौजूद इस घाटी की आबादी करीब 200,000 लोगों की है और ये इस इलाके का इतिहास रहा है कि पंजशीर पर कभी भी कोई बाहरी ताकत अपनी हुकूमत नहीं चला सकी। अफगानिस्तान के 34 सूबों में से यही वो सूबा है जहां पहले भी तालिबान का कोई जोर नहीं चला और इस बार भी तालिबान यहां से दूर ही है। और तो और 70 और 80 के दशक में जब सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान पर धावा बोला, तब भी उन्हें यहाँ के लड़ाकों से मुंह की खानी पड़ी और वो पंजशीर से पार नहीं पा सके। अब सवाल यह है कि आखिर पंजशीर में ऐसा क्या है कि कभी भी कोई दूसरी ताकत उस पर हावी नहीं हो सकी। तो आइए आपको इसका जवाब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। असल में पंजशीर में ताजिक समुदाय के लोगों की एक बड़ी रिहाइश है। पूरे अफगानिस्तान की आबादी में ताजिकों का हिस्सा करीब 25 से 30% है। इनके अलावा यहाँ हजारा समुदाय के लोग भी रहते हैं जिन्हें चंगेज खां का वंशज समझा जाता है। यहाँ नूरिस्तानी और पशाई समुदाय के लोगों की भी ठीक ठाक आबादी है, लेकिन इन सारे समुदायों में जो एक बात कॉमन है वो है इनका किसी गैर ताकत के आगे घुटने न टेकने का जज्बा। और इस बार भी इन लोगों ने कुछ ऐसा ही तय कर रखा है और ये इन लोगों का जज्बा ही है जिसकी बदौलत अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्ला सालेह ने न सिर्फ इसी पंजशीर घाटी में शरण ले रखी है, बल्कि इसी घाटी में रहने वाले लोगों के दम पर उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया है। वैसे तो पंजशीर में तालिबान से टकराने वाले बहादुरों की अच्छी खासी फौज है, लेकिन यहीं से आने वाले अहमद शाह मसूद का नाम इस कतार में सबसे आगे है। दरअसल अहमद शाह मसूद पंजशीर की मिलिशिया के वो नेता थे जिन्होंने तालिबान को नाकों चने चबवा दिए थे। पंजशीर के शेर के तौर पर मशहूर अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस की नींव रखी थी और उनके तमाम यूरोपीय मुल्कों के साथ भी बेहद करीबी रिश्ते थे।
लेकिन हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ झंडा बर्दारी करने वाले मसूद से ये आतंकी इतने खार खाते थे कि उन्होंने धोखे से अहमद शाह मसूद की जान ले ली थी। अलकायदा के एक आतंकी ने टीवी पत्रकार बनकर उनसे मुलाकात करने का वक्त लिया और उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। लेकिन उनके बाद उनके बेटे अहमद मसूद ने पंजशीर के इस मिलिशिया की कमान अपने हाथों में संभाली और उन्होंने तालिबान से मुकाबले का ऐलान कर दिया। पंजशीर के लोगों में अपनी आजादी और अपने इलाके को लेकर जो लगाव है वो इस इलाके को देश के दूसरे हिस्सों से अलग करना है। आज जब तालिबान लगभग पूरे अफगानिस्तान में दोबारा काबिज हो चुका है, यहाँ के लोग तालिबान से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो तालिबान से आखिरी दम तक लड़ेंगे, फिर चाहे इसका अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। और यही वो वजह है जिसकी बदौलत अब पंजशीर में तालिबान के खिलाफ दूसरे समुदायों और मिलिशिया के लड़ाके भी एकजुट होने लगे हैं, ताकि वो तालिबान से अपने देश को फिर से आजाद करा सकें। हालांकि तालिबान की ताकत के आगे पंजशीर की ताकत कागजों पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिदारी के मामले में इनका कोई सानी नहीं। पंजशीर ने अपने लड़ाकों की सही सही तादाद का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन अंदाजा ये है कि यहाँ लगभग 6,000 लड़ाके तालिबान से टकराने को तैयार हैं। फिलहाल खबर ये भी है कि इसी पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए 10,000 से ज्यादा फौजी भी इकट्ठा हो चुके हैं, जो तालिबान का सामना करना चाहते हैं। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जो देशभक्त लड़ाके जमा हुए हैं, उनमें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह और अफगानिस्तान के वार लॉर्ड कहे जाने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की फौजें शामिल हैं। पंजशीर को तालिबानियों के रॉकेट्स और गोलियों का डर नहीं है, बल्कि उन्हें अगर किसी बात की फिक्र है तो वो है तालिबानियों की उस व्यू रचना का, जिससे उन्हें मुश्किल हो सकती है। असल में पंजशीर को लगता है कि तालिबान उन्हें काबू करने के लिए उन पर सीधा हमला तो नहीं करेगा, लेकिन उन पर चारों तरफ से पहरे जरूर लगा सकता है, ताकि उनके खाने पीने की और दूसरी जरूरत की चीजों की कमी हो जाए। पंजशीर को तालिबान से मुकाबले के लिए लेटेस्ट हथियारों की भी जरूरत है, और उन्हें शिकायत है कि सरकार ने उनकी इन जरूरतों की तरफ कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पंजशीर ही वो जगह है जिसे नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ माना जाता है। 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, तब पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद ने ही नॉर्दर्न अलायंस की बुनियाद रखी थी। तब इसका पूरा नाम था यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अफगानिस्तान। धीरे धीरे इस अलायंस की ताकत बढ़ती रही और ताजिक समुदाय के अलावा दूसरे नस्लीय खेमे भी इसके साथ जुड़ते गए, और फिर नॉर्दर्न अलायंस ने अफगानिस्तान पर भी राज किया। इसी नॉर्दर्न अलायंस को भारत, ईरान, रूस, तुर्की, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन बाद में नॉर्दर्न अलायंस भंग कर दिया गया और अफगानिस्तान की सियासी पार्टियों ने नई सरकार बनाई। अब आइए पंजशीर के एग्जैक्ट लोकेशन और इसकी कुछ और खूबियों की बात करते हैं। काबुल से 150 किलोमीटर दूर मौजूद यह इलाका हिंदुकुश की पहाड़ियों के करीब है। यहाँ से पंजशीर नदी बहती है और ये पूरा का पूरा इलाका इसी नदी के इर्द गिर्द आबाद है। पंजशीर से एक अहम हाईवे भी निकलता है जहाँ से हिंदुकुश तक पहुँचा जा सकता है। यही खवाक पास से उत्तरी मैदानों तक पहुँचा जा सकता है और यही अंजुमन पास से बादाखशन तक। पंजशीर का ये इलाका खनिज पदार्थों के मामले में भी काफी अमीर है। यह और बात है कि विकास और खनन की तकनीकों की कमी से आबादी अब भी गरीब ही है। मध्यकाल में पंजशीर का इलाका चांदी के खनन के लिए काफी मशहूर था। 1985 तक यहां से 190 कैरेट के क्रिस्टल तक निकाले जा चुके हैं। यहां के क्रिस्टल दूसरे इलाकों के क्रिस्टल के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। यहां जमीन के नीचे बेशकीमती पत्थर पन्ना का भी विशाल भंडार है, लेकिन पन्ना के इस विशाल भंडार का खनन तो दूर, अभी तक इसे छुआ भी नहीं गया है। जाहिर है किसी पिछड़े या विकासशील देशों के दूसरे इलाकों की तरह ही पंजशीर भी सियासी इच्छा शक्ति की कमी और भ्रष्टाचार का शिकार होता रहा है। तभी तो 7 जिलों वाले इस सूबे के 512 गांवों में
आज तक बिजली और पीने के पानी की सप्लाई तक नहीं आई है। आज तक 20 साल बाद भी तालिबान बदला नहीं है, उसके न बदलने की पूरी कहानी बस इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात।